बिजावर हिंदू युवा क्रांति दल ने कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। आज पूरा देश कारगिल युद्ध को विजय दिवस के रूप में मना रहा। बिजावर में भी हिंदू युवा क्रांति दल ने भारत माता के चित्र पर पुष्प वर्षा की और कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से याद किया। इस मौके पर हिंदू युवा क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कहा, शहीद हुए सैनिक हदम हर एक भारतीय के दिल में अमर रहेंगे। हम सब युवा भाई हरदम देश के वीर सैनिकों के साथ हैं। कार्यक्रम में जितेंद्र तिवारी जीतू, अजय दुबे, बलराम कुड़ेरिया, राज प्यासी, अभिषेक यादव, नीरज रैकवार, अर्जुन यादव एवं सभी हिंदू युवा क्रांति दल के सदस्य शामिल रहे। हिंदू युवा क्रांति दल बिजावर द्वारा कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। आज 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाता है। हम सब युवा भाइयों ने भारत माता की फोटो चित्र पर फूल अर्पित करे और भारत माता की चरणों में सत सत नमन किया एवं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को हम सब युवा भाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उनके चरणों में सत्य सत्य नमन। और जो शहीद हुए हैं सैनिक वो हम सब भारत भारतीयों के दिल में हमेशा अमर रहेंगे।